नच धर्मी ग्राहक प्रमाण बाधा। धर्मी ग्राहक प्रमाण के द्वारा बाध हो जाएगा। धर्मी क्या आपका प्रपंच, अभी अगर प्रपंच मिथ्या है दृश्यत्वात्, इसे धर्मी ग्राहक प्रमाण के द्वारा बाध हो जाएगा ऐसा मत कहो। क्यों? धर्मण तत्ता प्रमाण सिद्धत्व अनुपमात्, जो धर्मी है यहाँ प्रपंच वह तत्वाधिक प्रमाण के द्वारा सिद्ध है यह बात हम स्वीकार नहीं करते। तत्वाधिक प्रमाण एक ही प्रमाण है हमारे यहाँ, श्रुति वेद उपनिषद और कोई नहीं, उसके द्वारा स्वीकृत करके हम नहीं मानते। प्रपंच तत्वाधिक प्रमाण विषय धर्मित्व आत्म चेत तब वो कहता हम अनुमान करेंगे। जो प्रपंच है धर्मी है तुम्हारा वह तत्वाधिक प्रमाण का विषय है। मृत कहते हो समय ऐसे बोला ना उसने, उसको अपने हिसाब से घटा दिया। क्यों? धर्मी होने से आत्मा के समान नो आत्मत्व तत्र उपाधित्वात्, आत्मत्व उपाधि है, आत्मत्व पर उपाधि है, आत्मत्वी उपाधि के कारण से कैसे उपाधि बनेगा? क्यों? साधि का व्यापक है, साधन का व्यापक है आपका। आपका साधि क्या आपने बना दिया था? तत्व आवेदक प्रमाण विषय, यत्र यत्र तत्वाधिक प्रमाण विषय है तत्र तत्र आत्मत्वम, आत्मा में घट जाएगा। और यत्र यत्र आप लोगे इसको साधक हेतु, क्या आपका हेतु है? आपने कहा धर्मित्वात्, यत्र यत्र धर्मित्वम तत्र तत्र आत्मत्वम नास्ति, क्योंकि आत्मत्व जो है कहाँ नहीं रहेगा, धर्मित्व कहाँ है? प्रपंच में, और वह आत्मत्व है नहीं, इसलिए साधन का अव्यापक भी बन गया आत्मत्व, उपाय तुम्हारे पर बन जाएगा। तब कहते अब तक आप हमारे ऊपर बार बार खंडन कर रहे थे, जो उपाधि होता है उसका व्यतिरेक भी सिद्ध होना चाहिए, आपका व्यतिरेक नहीं बनेगा बोलता है। नच व्यतिरेक असिद्धि, सिद्धांत कह रहे व्यतिरेक असिद्धि मत कहो, व्यतिरेक भी हम सिद्ध कर दिखाएंगे। कहाँ दिखाओगे? कहाँ प्रसिद्धि है? साध्य भाव और जो है आपका उपाध्य भाव, तत्वाधिक प्रमाण का विषयत्व न हो ऐसा बताओ, और आत्मत्व भी न हो वहाँ पर ऐसी जगह बताओ। कहते कि शुक्त रजता दो उभय मत प्रसिद्ध है ना, आप भी मानते हैं वो तत्वाधिक प्रमाण से जनी नहीं है, भ्रम है वो तो, इसलिए कहते हैं अनात्मना शुक्त रजत संसर्गादे तत्वाधिक प्रमाण अविषय उभयवादी सिद्ध से व्यतिरेक उपसंहार स्थल से सद्भावात् न व्यतिरेक सिद्धि ही। ऐसे क्योंकि जो अनात्मभूता शुक्त रजत जो संसर्ग आदि हैं वे कैसे हैं? तत्व प्रमाण का अविषय है, यह बात उभयवादी स्वीकृत है और वो आत्मत्व नहीं है, साध्य भाव का व्यापक हो गया। इस प्रकार से व्यतिरेक उपसंहार स्थल का विद्यमान होने से व्यतिरेक सिद्धि नहीं कह सकते हो। इतना ही नहीं, धर्मित भेद हो शुक्त रजत संसर्ग धर्मिणी व्यभिचाराच, इतना ही नहीं अव्यापकत्व भी सिद्धि है। कहाँ? कहते धर्मित्व जो तुम्हारे हेतु है ना वो कहाँ है? शुक्त रजता है संसर्ग धर्मी में व्यभिचार है, वहाँ नहीं है वो धर्मित्व। क्या संसर्ग क्या होता है? हमेशा संबंधात्मक संयोग समवाय आदि। शुक्त रजता है संसर्ग रूपा धर्मी में धर्मित्व हेतु व्यभिचारात, व्यभिचार हो जाता है। यदि भी वो प्रपंच कोटि के अंतर्गत है, ही भ्रांति स्थल भी प्रपंच कोटि में है, लेकिन वहाँ आपका धर्मित्व नहीं जाएगा। व्यभिचारात अव्यापकत्व सिद्धि शेष नासौ धर्मी मिथ्यात्ता चेत न। यदि कोई कहे अरे वो जो शुक्त रजता संसर्ग है ना वो प्रपंच कोटि में थोड़ी है, शुक्त रजता संसर्ग को हम प्रपंच कोटि में नहीं लेंगे, क्यों? वो मिथ्या है। वो असौ न धर्मी मिथ्या चेत न, ऐसा मत कहो। एतम हेतु हेतुम प्रति धर्मित्व अधर्मित्व यो हो तद योगात, इसी के प्रति उसको आपने धर्मी कह सकोगे फिर ना अधर्मी कह सकोगे, अपना मिथ्या सिद्ध हो गया, सद सद विलक्षण हो गया, धर्मित अधर्मित सहित। ये तेना प्रतिदि मात्र सिद्ध से आश्रयत्व दूषण भूषणादरपि तथाभूत सुलभत्वात् सर्ववाद विधि निषेध प्रसंग इत्यपास्तम। जो पूर्व पक्ष ने कहा था इसी युक्ति पर, मानी व्यावहारिक प्रमाण सिद्ध साधनादि को हम ले लेंगे, इसका मतलब मानी जो हम जिसको तुम कह रहे हो तत्वाधिक प्रमाण का विषय है ये संसार, वास्तव में हमारे लिए तत्वाधिक प्रमाण का विषय नहीं है, किंतु क्या है वो? हमारे व्यावहारिक प्रमाण का विषय मात्र ही है। और व्यावहारिक प्रमाण का विषय तो स्वीकार करने से ही इससे अलग भी कर सकते हैं, शुक्त रज संसर्ग से अलग भी कर सकते हैं,
और जो व्यावहारिक प्रमाण के विषय उसके द्वारा ही साधन दूषण भूषण सब हमारा काम चलेगा, सब शास्त्र काम व्यवहार कथा चल सकती है। और वह भी किस प्रकार चलेगी, प्रातिभाषी को छोड़ के ही हम कर सकते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं, उभय में स्वीकृत है वो। कहते प्रतीति मात्र सिद्धस्य आश्रयत्व दूषण भूषणादरपि तथा भूतस्य, दूसरे पूर्व पक्ष की बात कर, ये तीन अपास्तव, इस युक्ति से खंडन हो रहा है जो तुमने कहा था। क्या कहा था, यदि आप सब कुछ प्रतीति मात्र सिद्ध मान के आश्रय को स्वीकार करोगे फिर दूषण भूषण सब कुछ जो है उड़ जाएगा, तथा भूतस्य सुलभत्वात् सर्वत्र सुलभ हो जाएगा, तो सर्ववाद का विधि निषेध समाप्त हो जाएंगे, इत्यपि अपास्तम, वो भी खंडन हो गया। क्यों, वादी प्रतिवादी मध्यस्थान प्रमाण सिद्धम एतदिति सम्मत्या आलम्बनत्या त्रिचतुर कक्ष अविश्रांतस्य तत्तद् आभास लक्षण अनालिंगितस्य आश्रयस्य दूषण भूषणादिश्च तत्र कथांगता अंगीकारात्। क्योंकि वादी और प्रतिवादी और मध्यस्थ तीनों के द्वारा प्रमाण सिद्धम एतद्, इतना ही मालूम है भाई, प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है, अनुमान प्रमाण सिद्ध है, वो पारमार्थिक है या प्रातिभाषिक है या व्यावहारिक, उसे कोई लेना देना नहीं है। शास्त्रार्थ जब चलता है तो पहले इसी दृष्टिकोण से दो तीन कक्षा तक चलता है, फिर विशिष्ट खंडन मंडन जब चलने लगता है तब ये बातें उठती है, ये प्रातिभाषिक है कि क्या है क्या नहीं है। इसे त्रि चतुर कक्ष अविश्रांतस्य, तहाँ तो विश्रांत नहीं हुआ, चलता रहा, सम्मति से, किनकी सम्मति से, वादी प्रतिवादी मध्यस्थों का, यह प्रमाण सिद्ध है ऐसे सम्मति के द्वारा आलम्बन करते हुए तीन चार कक्ष तक अविश्रांतता पूर्वक चलते हम, तत् आभास लक्षण अनतिलिंगितस्य, और वादी प्रति दोनों के मत में आभास लक्षण नहीं होनी चाहिए, ऐसे व्यावहारिकता के आधार पर हम चलते हैं। आप व्यावहारिक कोई पारमार्थिक समझ रहे हैं और हम व्यवहार से पारमार्थिक अलग बाद में सिद्ध करेंगे, लेकिन शुरुआत में तो जिसे आप मान रहे जिसे हम मान रहे दोनों को चलेंगे, जिसको आप पारमार्थिक मन के चल रहे हैं वो आपके लिए प्रमाण सिद्ध है, जिसको हम व्यावहारिक कह रहे हैं वो हमारे लिए प्रमाण सिद्ध है, इसे दोनों के लिए प्रमाण सिद्ध होने के नाते शास्त्रार्थ को चलने में कोई आपत्ति नहीं है। आश्रय से दूषण भूषणादश्च तत्र तत्र कथांगता अंगीकारात्, और वहाँ दोष देना और अब अपने सिद्धांत समर्थन भूषण बनाना, ये सारी चीजें जो हैं कथा का अंग रूपेण स्वीकार किया गया। तादृश व्यावहारिक प्रमाण सिद्ध सीव च व्यावहारिक सत्यत्व स्वीकारात्, ऐसे जो व्यावहारिक प्रमाण सिद्ध जो वस्तु है उसको हम पारमार्थ से भिन्न दूसरा वस्तु नहीं मानते, तो द्वैत आ जाएगा, ये भी लफड़ा तुम नहीं बोल सकते। ये जो व्यावहारिक प्रमाण से सिद्ध है उनको हम ही व्यावहारिक सत्यत्व न हम स्वीकार करते हैं। अरे दो पारमार्थ सत्य वाला नहीं है, एक पारमार्थ सत्य ब्रह्म है, उस पारमार्थिक सत्य दूसरा सत्य भिन्न वही जगत है, ऐसा हम नहीं मानते। सर्वदा स्वीकारात् अर्थात व्यावहारिक सत्ता न पारमार्थिक सत्ता या भेदा, इसे व्यावहारिक सत्ता को पारमार्थिक सत्ता से भिन्न करके अब नहीं मानते, ऊपर से बोल रहा हूँ मैं, पारमार्थिक सत्ता से भिन्न कोई अलग सत्ता करके नहीं ग्रहण करना, किंतु क्या है वो व्यावहारिक प्रमाण का जो विषय है उसी को व्यावहारिक सत्ता कह देते हैं। सर्वदा बाद वैधुर्यस्य आगमित प्रमाण असर्वज्ञेन ज्ञातुम अशक्यत्वात्, और नहीं बाद से रहित वस्तु का निश्चय आगम से इतर प्रमाणों को जानने वाला असर्वज्ञ के द्वारा कभी भी निश्चय नहीं किया जा सकता। ये तेना इधर प्यासम के कुमार भट्ट का खंडन करेंगे, इन युक्तियों में कुमार भट्ट का वचन खंडित हो जाएगा। यहाँ तक ही टीका दे, यत्तु आश्रय से प्रामाणिकत्व अप्रामाणिकत्व विकल्पेन दूषण उक्तम तत्प्रियर्थि, उसे पूछा था एतनिष्ठ, आपने कहा ना आश्रय करके अत्यंताभाव प्रतियोगी, वहाँ जो आश्रय रूप ने लिया आपने कौन सा आश्रय है, वो आश्रय प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, ये पूछा था, और दोनों पक्ष में खंडन किया उसने। प्रामाणिक है तो तद आश्रित वस्तु भी प्रामाणिक हो जाएगा, और अप्रामाणिक है तो शास्त्र अनुमान ही भंग हो जाएगा, ये सब दोषों को दूर कर रहे हैं। प्रमाण मात्र गम्यस्य आत्यंतिक सत्व अभाव, क्योंकि प्रमाण मात्र गम्य होने मात्र से उसको पारमार्थ आत्यंतिक माने पारमार्थिक सत्य करके तो नहीं मान सकते आप। सत्तं चेत नास्ति तर्यसदेव, तब पूर्व पक्ष यदि सत्व है हाँ सत्वं चेत नास्ति और फिर भी कहते हो पारमार्थिक नहीं है फिर तो असत्य है वो। तथा च शश विषाणवदेव अनर्थ क्रियाक्षम इति शंकते,
फिर तो शशिम विषाण आदि के समान अर्थ क्रियाकारी वो नहीं रह जाएगा, ऐसे पूर्व पक्षी आशंका किया। तर्री इत्यादि से देहात्म भाव आदिवत सिद्धांत जवाब देता है, भाई देह में आत्मभाव आदि के समान व्यावहारिक सत्व आदाय परिहर्ती, व्यावहारिक सत्व को लेकर के हम परिहार कर सकते हैं। इति न इत्यादि से परिहार कर दिया। साम व्यावहारिक यथाच सदसद विलक्षणापि अपरा कोटि तथा अनिर्वचनीयवाद निर्वक्षत है, क्योंकि हम जो है अनिर्वचनीयवाद में यह कथन करने वाले हैं आगे जो है सदसद विलक्षण नाम का भी एक अलग कोटि है। सत और असत दो ही नहीं है, सदसद उभयात्मक तो हो नहीं सकता प्रसुरुद्धत्वात्, लेकिन सदसद विलक्षण नाम का चीज एक होता है, यह बात हम अनिर्वचनीयवाद में सिद्ध करने वाले हैं। तत्व आवेदक प्रमाण गम्यत्व भावेना, तत्व का आवेदक प्रमाण गम्यत्व का भाव होने मात्र से धर्मिक राग पाद परिहृता, धर्मिक राग पाद को परिहार कर दिया, क्योंकि तत्व प्रमाण के द्वारा गम्य नहीं है प्रपंच। तत्र बाध सिद्ध्यर्थान तत्व प्रमाण गम्यत्व अपनी अनुमिनोमी पूर्ववादी, तो पूर्ववादी कहता है नहीं नहीं भाई बाध की सिद्धि के लिए हम क्या करेंगे, वह प्रपंच तत्व आवेदक प्रमाण गम्य है, मृत गायत्री सत्यम इत्यादि के आधार पर हो, ऐसा पूर्वपदी कहता है प्रपंच। पूर्व पक्षी कहता है ननो कथमात्र उपाधि कैसे हो सकता है, साध्य व्यापक तो अनिर्णयात, साध्य व्यापक तो निर्णय नहीं कर सकोगे आप कहीं भी, तथा ही यत्र आत्मत्व नास्ति तत्र तत्व आवेदक प्रमाण गमित्व भी नास्ति, साध्याभावेन उपाध्य व्याप्ति एष्टव्या, साध्याभाव के द्वारा उपाध्य भाव की व्याप्ति आपको कहना होगा और वो स्थल आपको नहीं मिलेगा। न च ऐसा शक्य निर्णय, और ऐसे स्थान विशेष में आप जो उसका निर्णय नहीं कर सकेंगे। आत्मत्व रहित प्रपंचे साध्य अभाव अनिर्णयात, आत्मत्व रहित कौन होगा, ये सारा प्रपंच वो आपका पक्ष कोटि में है, वह अभी साध्य का निर्णय नहीं हुआ है। तस्मात पर्वतेतरत्वाधिपत पक्षेत्र अयम इत्यतः, पर्वतेतरत्वादि के समान आपका यह भी आत्मत्व जो उपाधि है पक्षेत्र उपाधि हो गया, व्यर्थ उपाधि हो जाएगा। इत्यतः न च व्यतिरेकेति, तब कहा कि नहीं व्यतिरेक भी हो जाएगा, कहाँ सुप्त रूप संसर्गादो सर्वथा प्रमाण अयोग्य शक्य उभयाभाव निर्णयतुम इत्यर्थ, सर्वथा प्रमाण अयोग्य है आपके मत में भी हमारे मत में भी, ऐसे में उभयाभाव निर्णय हो जाएगा, आत्मत्व का भाव भी है वहाँ पर और ससाध्य भाव प्रमाण गम्यत्व भी है। अनेकांतिकतांच धर्मित्वेति, बल्कि उल्टा आपके मत में अनेकांतिक दोष भी देंगे आपके अनुमान पे। संसर्ग धर्मिणी, संसर्ग एव धर्मी, संसर्ग ही यहाँ धर्मी है। हेतु तत्र आवृत्तिम आशंकते, और हेतु की आवृत्ति की आशंका स्पष्ट कर दे रहे हैं। नासो इति परिहरति नैति, हेम अर्थ मिथ्यात्वाद इति इमम एव हेतु प्रति संसर्गो धर्मी नवा, ऐसा उठाओ अरे मिथ्यात्वा जो आपने हेतु दिया है उस हेतु के प्रति क्या यह संसर्ग धर्मी है या नहीं है। आद्य धर्मित्व अशक्य निषेधम, आद्य पक्ष में आप धर्मित्व का निषेध नहीं कर सकते, मिथ्यात्व हेतु के प्रति ये जितने भी संसर्ग हैं घटपट आदि सब कुछ हमारे लिए दृष्टिकोण में क्या है धर्मी है ही। द्वितीय अपनी अशक्य निषेध, वास्तव द्वितीय पक्ष को भी आप निषेध नहीं कर सकते क्योंकि आपके हिसाब से वो अधर्मी है, इसे धर्मी भी है आप नहीं कह सकते, अधर्मी है ये भी आप नहीं कह सकते। निषेधक हेतु और आश्रय सिद्धत्वात्, कि निषेधक हेतु में आश्रय सिद्धि द्वेष है। यत्तु प्रतिदि मात्र सिद्धस्य साधनादित्वे अति प्रसिद्ध इत्युक्तम, और प्रतिदि मात्र सिद्ध को भी आप साधनादि मान लोगे फिर अति प्रसिद्धि हो जाएगी। तदपि एवं सती परिहृत मिथ्या, जब यह हमारा निष्कर्ष हो गया व्यावहारिक संबंधों को लेकर के, व्यावहारिक प्रमाण के विषय को लेकर के हम शास्त्रार्थ सब कुछ कर सकते हैं दूषण विषण दे सकते हैं, तो फिर वो प्रतीति मात्र सिद्ध हो उससे भी काम चल सकता है। ये परिहृत मिथ्या एते नहीं थी, व्यावहारिक प्रमाण सिद्ध से साधन दूषणत्व अभ्युगमे नहीं करता है ना, व्यावहारिक प्रमाण गम्य जो है सिद्ध उनको भी हम साधन बना सकते हैं, उसे दूषण भी दे सकते हैं भूषण भी दे सकते हैं, शास्त्रार्थ हो सकती है। एतन इत्यादि विवरण साम व्यावहारिक प्रमाण शर्म दर्शयति, एतन इत्यादि का विवरण करते हुए वो आगे साम व्यावहारिक जो स्वरूप है उसका वर्णन करने जा रहे हैं। साम व्यावहारिक प्रमाण शर्म दर्शयति वादी प्रतिवादी मध्यादि मध्यस्थादि न इत्यादि त्रिचतुर्कक्षा विश्रांत
त्रिचतुर पर्वसु अबाधितस्य, तीन चार कोटि तक परस्पर बाध्य बाधक भाव नहीं है, चल रहा है। स्यादेता पूर्व पक्षी क्या, ठीक है, कतिपय पुरुषस्य कतिपय कालम बाध विधुरम इति अबोध विषयस्य साधनादि भावश्चेद अभिपेते तरि सिद्धांत विरोधः। यदि आप कहोगे कतिपय माने वादी प्रतिवादी मध्यस्थ, तीन को आपने ले लिया, और कतिपय काल तीन चार कोटि तक आपने ले लिया, बाद से रहित होने मात्र से और बोध का विषय हो जाएगा क्या? अबोध विषयस्य, फिर भी आप बोध विषय अभी निर्णय तो हुआ नहीं, तीन चार कोटि तक गया ही तो है ना, निर्णय तो हुआ नहीं है, आप तो अभी अनिर्णित है, मैंने अबोध का विषय वो साधनादि भावश्चेत, फिर भी उसमें साधन दूषण भूषण भाव को स्वीकार करोगे उतने मात्र से, तरही सिद्धांत विरुद्ध से, फिर आपके सिद्धांत विरुद्ध होगा ये तो, क्योंकि आपका है व्यावहारिक सत्वम सत्वयुक्त वेदांति भी साधनादित्व अंगीक्रियते, व्यावहारिक सत्व से युक्त को वेदांति आदि के द्वारा साधनत्व आदि स्वीकार किया गया है, इत्यतः तब सिद्धांत ना जवाब देने ही नहीं, तार्श व्यवहारिक प्रमाण सिद्ध सेव व्यावहारिक सत्यत्व, पारमार्थिक सत्य भेद नहीं हो। ननु किमिति अयम संकोच आत्यंतिक में सत्वम किम न स्वीक्रियते, आगे ना व्यावहारिक सत्ता क्यों मान रहे, पारमार्थिक सत्ता में भेद मान लो, एक पारमार्थिक सत्ता वाला ब्रह्म है और दूसरा एक और है पारमार्थिक सत्ता वाला वो प्रपंच है, दोनों पारमार्थिक सत्ता वाला अत्यंतिक सत्य मानो, जैसे सांख्यादि मान रहे जगत सत्य है आत्मा भी सत्य है पुरुष इत्यतः तब सिद्धांत नहीं सर्वथा सर्वथा या सर्वदा पाठ है मूल में वो होना, टीका के अनुसार सर्वथा ही होना चाहिए, सर्व पुरुष सर्व देश काल अपेक्षा है इत्यर्थ, तत्किम ब्रह्मणोपी तादृशम सत्वम अशक्ति ज्ञानम इतिता, क्या ब्रह्म भी इस प्रकार का सत्व का ज्ञान नहीं हो सकेगा, इतिता उत्तम आगमे तरेति, ब्रह्म तो हो जाएगा पार आत्यंतिक सत्व का ज्ञान कैसे, श्रुति आगम प्रमाण से, इसलिए आगमेतर से कह दिया, ननु आगमेतरैरपि प्रमाणैः सर्वज्ञेन केनचित् तादृशं सत्वं जायता, फिर भी कहते आगमेतर प्रमाणों के द्वारा भी कोई जो ऐसा सर्वज्ञ है वो सर्वज्ञ के द्वारा उस प्रकार का ज्ञान कर सकता है पारमार्थिक ज्ञान, इसलिए वहाँ अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए मान भी लिया जाए कोई ईश्वर है सर्वज्ञ है और बाह्य प्रमाणों के माध्यम से उसको सर्वत्र पारमार्थिक दृष्टि हो सकती है, क्या आपत्ति है, इसलिए असर्वज्ञ ने विशेषण दे दिया मूल में, इतिता उक्तान असर्वज्ञ ने इति, सर्वज्ञ तो कसचित तादृशं प्रमाणम अस्ति प्रपंच विषय इत्यत्र न अर्वाग्दशां प्रमाणम अस्ति, ठीक है सर्वज्ञ कोई ईश्वर नाम से ये योगी महान विशेष में है ना उस प्रकार का प्रमाण भले ही होवे प्रपंच के विषय में, लेकिन न अर्वाग्दशां जो अल्पज्ञ हैं उसे नीचे वाले उन लोगों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्युत आगम विरोधाद अभाव निर्णीति भाव, बल्कि आगम के विरोध को देखते हुए वो इनके अभाव का ही निर्णय कर देगा, व्यावहारिक सत्वम नाम न सत्व विशेषा, हाँ आगे ना व्यावहारिक सत्व कोई पारमार्थिक सत्व का एक विशेष रूप है ऐसे मत समझो, अपितु एवं विधि ज्ञान विषयत्वम माने व्यवहार ज्ञान विषयत्व व्यवहार प्रमाण जन्य ज्ञान विषयत्वम इत्यनेन एव भट्टपादोक्त दूषणमिति अपास्तमित्या एतेन इदमपि अपास्तम यद आहुर भट्टाचार्याः बोल में, भट्टाचार्य ने क्या बोल दिया कुमार भट्ट जी, संवृतेर न तु सत्यत्वम सत्य भेद कुतोऽन्वयम् सत्याचेत संवृद्धि केयम मृषाचेत सत्यता कथम सत्यत्वम न च सामान्यम मृषार्थ परमार्थयोः विरोधात् नैवृक्षत्वम सामान्यम वृक्षसिंहयोः, कहते देखो संवृतेर न तु सत्यत्वम, संवृते न विद्या, मैं आपके अनुसार सत्यत्व नहीं है पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है, तो अनु अयम सत्य भेद कुतः, यदि ऐसा है फिर ये सत्य भेद कैसे हो सकता, फिर सत्य का एक प्रभेद कैसे हो सकता है, और सत्य चेत समृद्धि के यम और ये सत्य है फिर ये जो है अविद्यात्मक कैसे हो सकता है, यदि अविद्या है फिर वो सत्य भेद नहीं हो सकता और सत्य भेद है तो अविद्या नहीं हो सकता, मृषा ते सत्यता खत्म, क्योंकि यदि मृषा है और सत्य कहाँ से आएगी, सत्यत्वम च न सामान्यम, यदि कोई एक देशी कहे अरे सत्य तो दोनों में समान है
मृषात्व जगत और पारमार्थिक ब्रह्म दोनों में सत्यत्व सामान्य धर्म में जाति जैसा होता है, ऐसा आप नहीं कह सकते। मृषार्थ परमार्थयो सामान्यम सत्यत्व न जा, क्यों? विरोधात्। परसरुद्ध पदार्थ एक मिथ्या है और एक पारमार्थिक है, दोनों में सत्यत्व एक समान धर्म कैसे हो सकता है? उसी प्रकार जैसे दृष्टांत उन्होंने दिया वृक्ष और सिंह में वृक्षत्व रूप एक सामान्य जाति नहीं हो सकती है। एक में रहने वाला जाति को विरोधी दो वस्तु बता करके उसमें रहने वाला जाति करके आप नहीं कह सकते। यदि सत्यत्व कहाँ है? पारमार्थ सत्य मात्र में रहने वाला वस्तु को पारमार्थिक पदार्थ और मृषा पदार्थ दोनों में रहता है, आप नहीं कह सकते। था वृक्षत्व जो वृक्ष मात्र में रहने वाला है उसको वृक्ष और सिंह दोनों में नहीं कह सकते। ये जो उन्होंने कहा हमारे पूर्वोक्त युक्ति से खंडन हो गया, क्योंकि हम जो कह रहे हैं सत्यत्व मृषात्मा में वो आत्यंतिक सत्य तो नहीं करे जो पारमार्थिक सत्य में रहता है। ब्रह्म में आत्यंतिक सत्यत्व है और जगत में व्यावहारिक सत्यत्व है। इसे इन दोनों का व्यावहारिकता और परमार्थकता आत्यंत विशेषण छोड़ दोगे तो दोनों में सत्यत्व पे सामान्य हम कह देते हैं। सत्य सामान्य का तात्पर्य नहीं है तो समान सत्यता, समानानाम भाव सामान्य वो नहीं है यहाँ पर। यानी घटों में सब घट 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 ही है, घटत्व वो नहीं है यहाँ पर। समान भाव सामान्य वो नहीं लेना है। विषय में भी सामान्य है, यहाँ पर विषम पदार्थ में भी एक आंशिक सत्यता को स्वीकार किया, व्यावहारिक सत्यता में भी सत्यत्व है, परमार्थ सत्य बोलने में भी सत्यत्व है, उत्तरांश मात्र को लेकर के एक समान धर्म दोनों में देखा। यह इसलिए सामान्यम कर्त साधर्म्य सत्तात्वेन साधर्म्य है, इतना ही है। लेकिन वास्तव में एक व्यावहारिक है एक पारमार्थिक है। अत्र च संवृणोति तत्व में संवृत्तिर अविद्या। अब टीका में श्लोक को घटाए देखिए, संवृत्ति सत्यमिति यद बौद्धे रुच्यते तद दूषित। संवृत्ति को भी सत्य मानते हैं बौद्ध, उसको दूषित करते हुए इन्होंने कहा कौन? कुमारल भट्ट ने, संवृतेर न तो सत्यत्वमिति। अत्र च संवृणोति तत्वमिति संवृत्तिर में अविद्या तस्या सत्यत्वम अयुक्तम तत्र हेतुम् सत्यभेद इति। इदम संवृत्ति सद इदम परमार्थदिति वदता किम सत्य विशेष कश्चित संवृत्ति सत्यम नाम स्वीक्रियते उद असद्देव। आप कह रहे एक संवृत्ति सत्य है और एक परमार्थ सत्य है, इनमें क्या ये सत्य विशेष है? ये कश्चित जो संवृत्ति सत्य नाम का चीज है वो उसी सत्व का विशेष है वो, या असत को ही अपने नाम से कह रहे हो केवल? कहते द्वितीय सत्य शब्द नार्थवान। द्वितीय पक्ष पहले खंडन, मूल में उसको उठाया नहीं, इसलिए यदि आप कह रहे हो असत्य है उसको सत्य में कैसे कहोगे? फिर समृद्ध सत्य भी कह रहे हो और समृद्ध में सत्य असत को कह रहा हूँ कहोगे तो प्रतिविरुद्ध बात कहो जाएगा, वजह तो भी आगे दोष आ जाएगा। द्वितीय पक्ष तो अपने आप खंडन हो गया। प्रथमे प्रत्याह प्रथम के प्रति कहते सत्य भेद इति प्रथम श्लोक का द्वितीय पाद। कुतो अयम सत्य भेद ऐसा अनुवय करना, कुतो अयम अयम अनुज अपि अर्थ में अयम अपि कुतो सत्यवेद अनुपसर्ग न कुतो भी प्रमाणात् इत्यर्थ, माने किसी भी प्रमाण से सत्यवेद सिद्ध नहीं हो सकता। किमिति प्रमाण अभाव इत्या विरुद्धत्वाद इत्याह, क्यों प्रमाण नहीं है? कहते विरोधात। आगे दूसरे श्लोक में दिया हुआ है क्या विरोध है, वही विरोध समझा दिया। सत्याचित संवृत्ति केयम प्रथम श्लोक है तीसरा पाद, और मृषात्य सत्यता कथम, ये विरोध को ही दर्शा रहा है तीसरे और चौथे पद प्रथम श्लोक का। और हेतु दे दिया था विरोधात, है ना, दूसरे श्लोक का तीसरे पाद में है। विरुद्धत्वात् जाति व्यक्ति भाव नास्ति, विरुद्ध के होने के नाते या जाति व्यक्ति भाव भी नहीं हो सकता इत्युक्तम। इदानीं सदस्यतो परस्पर विरुद्धयो सत्यत्व जाति संबंधोपि न घटते, और इतना ही नहीं सत्य और असत्य दो पदार्थ है यदि हैं तो परस्पर विरुद्ध हैं, उनमें एक सत्यत्व नाम का जाति सामान्य का संबंध भी नहीं हो सकता। इस बात के लिए वो दृष्टांत दिया वृक्ष और सिंह का सत्यत्वम इति तथा दृष्टांत नहीं वृक्षत्वम इति इत्यस्य विवरणम वस्तुतः इत्यः इति। उसे वर्णन करते हुए मूल में कह रहे देखिए, वस्तुतः असत्यस्यैव यावत्पादं देहात्म भावद लौकिक वैद्य व्यवहारांगतया सत्यत्वेन व्यवहारात। वस्तुतः
ये मुख्य पंक्ति है वेदांत सम बताने वाला। ये कहता है देखो, ये जगत पूरा सत्य भले ही है, इस असत्य के अंदर ही हम सत्यत्व व्यवहार करते हैं। लेकिन कब तक? यावत बाधम देहात्म भावत, जैसे देहात्म भाव का बाध जब तक नहीं होता है, इस देह में भी आत्मबुद्धि कर रहे हैं और हम देवदत्त संकल्प पर कर्मकांड उपासना सब कुछ करता है, ठीक उसी प्रकार से यावत प्रपंच का बाध नहीं होता है तावत काल पर्यंत इस असत्य प्रपंच में भी हम क्या करेंगे? लौकिक वेद व्यवहार अंगतया, लौकिक व्यवहार और वेद व्यवहार का अंगत्व अपेक्षित यादृश व्यवहार सत्यत्व की अपेक्षा है, उत्तरीय मात्र सत्यत्व व्यवहार सत्यत्व से हम व्यवहार करते हैं। वस्तुतः थी नायम असिद्ध हेतु। अब उस अनुमान में चलिए, हम लोग का अपना अनुमान क्या था? एतत् पटः एतत् तंतुष्ट अत्यंता प्रतियोगी अवयवित्वात्, ये कहा था पटांतरवत, वहाँ जा रहे हैं। ये जो आपका अवयवित्व हेतु है वो असिद्ध है करके पूर्व पक्षी कहें, ये कहते नहीं नहीं भाई, हमारा हेतु असिद्ध नहीं है, नायम असिद्धो हेतु हो, अयम मने अवयवित्वम इत्याकार को हेतु न असिद्ध। क्यों? पटस्य अंशित्व वादिनोर अविवादात, पट को अंशी अवयवी मानने में न हमारे मत विरोध न आपके मत में विरोध है, कहीं विवाद नहीं है। आप भी पट को अवयवी मानते, घट को अवयवी मानते, पटांतर को भी अवयवी मानते, पक्ष रूप इतत् पट हो या दृष्ट रूप दृष्टांत रूप पटांतर हो, दोनों के मत में क्या है? अवयवित में कोई विरोध नहीं है, ना भी विरुद्ध और विरुद्ध दोष भी तुम नहीं दे सकते। क्यों? एतत् तंतुष्ट अत्यंता भव प्रतियोगी नहीं विपक्ष है, आपने अंशित्व से अवृत्त है। एतत् अत्यंता भाव प्रतियोगी, ये जो आपका साध्य है अप्रतियोगियों के साध्य भाव, अप्रतियोगी बोला नहीं उन्होंने, एतत् तंत्र अत्यंता भाव अप्रतियोगिनी विपक्षे, मैंने साध्य भाव अधिकरण पूता विपक्ष में। आ कौन है विपक्ष? आत्मनि अंशित्व से अवृत्त है, आत्म अंशित्व आप भी नहीं मानते, भी नहीं मानते, इसे विरुद्ध हेतु भी आप नहीं कह सकते। नानेकांतिकोपि, चलो विपक्षात व्यावृत्ति कर ले हम, अनेकांति नानेकांतिकोपि मैंने साध्य भाव अधिकरण में वृत्ति हो जाए हेतु का, ये भी तुम नहीं कह सकते। क्यों? विपक्षाद व्यावृत्ति रेव, मैंने विपक्ष मैंने आत्मा, उसमें जो है हेतु का न होना होने से अनेकांतिक भी नहीं है। साध्याभाव साधक हेतु हो जाए तो विरुद्ध कहा जाता है, और साध्याभाव अधिकरण वृत्ति को दिखा दोगे तो अनेकांतिक कहा जाता है। दोनों साध्याधिकरण से संबंधित है, विरुद्ध हेतु भी और अनेकांतिक भी। एक कहता है साधक है, साध्याभाव का साधक विरुद्ध हेतु, और साध्याभाव अधिकरण वृत्ति हेतु ये अनेकांतिक हेतु, दोनों ही अपने आप दूर हो गया। ज्ञात की ठीक नचात्र अनेतन निष्ठत्व उपाधि, कहता है अनेतन निष्ठत्व को उपाधि कर दो आपके अनुमान में, ये आप नहीं कह सकते। क्यों? आकाश आदो साध्य अव्यापकत्वात्, आकाश आदि में साध्य का अव्यापकत्व आ जाएगा। कैसे? अनेतन निष्ठत्व, अनेतन निष्ठत्व है आकाश में, क्योंकि आकाश तंतु में रहता है, केतन निष्ठ है क्या? नहीं है। एतत् तंतुनिष्ठ नहीं ना आकाश, मैंने आकाश में एतत् तंतुनिष्ठत्व नहीं है, किंतु वो साध्य वहाँ पर है, ये साध्य की अव्यापकता हो गया। साध्य जहाँ है वहाँ पर हेतु हो तो साध्य व्यापकत्व माना जाएगा, और यहाँ साध्य आकाश में जा रहा है, क्या हमारे मत में क्या है? वो अभी अत्यंत भाव का प्रतियोगी आकाश कार्य होने के नाते, एतत् निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगी बन जाता है, सारा प्रपंच बन रहा, आकाश भी हमारा है उसी में चला गया, तो साध्य तो आकाश में आ गया, लेकिन वो ये तो नहीं तो निष्ठत्व जो आपने उपाधि दी वो वहाँ पर नहीं है, ये कह रहे। तो कहते इसलिए कि अनेतन निष्ठत्व उपाधि ये आकाश आदो साध्य अव्यापकत्वात् नापि एतन निष्ठत्व, और फिर एतन निष्ठत्व को उपाधि कर दो ये भी अनुसार तस्य साध्यत्वात्, वो तो हमारा साध्य है एतन निष्ठत्व, एतन निष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व हमारा साध्य था, और उसमें जो एतत् निष्ठत्व को निकाल गया, अब इसको उपाधि बनाओ नहीं, तो साध्य कोटि में हमारा बन गया। ना भी एतत् निष्ठत्व रहितया प्रत्यमानत्व, ऐसा कर लो, एतत् निष्ठत्व रहितया प्रत्यमानत्व, ऐसा भी नहीं कह सकते। संयोगादो तव साध्य व्याप्त है, आपके मत के अनुसार संयोग आदि में साध्य की व्याप्ति हो जाएगी, कि समय आदि संयोग दोनों रहता है आपके मत में, एतत् निष्ठ रहित नहीं ना, वो एतत् निष्ठ ही हो जाएगा। ये तेना एत अवय अनारब्धत्व भी निरस्त, ये कोई एतद अवय अनारब्धत्व में उपाधि बना दूंगा,
ये भी नहीं कह सकते। न च द्रव्यत्व विशेषितम, अरे द्रव्यत्व विशेषण दे दो, क्योंकि ये तद अवयव अनारब्धत्तम, ये क्यों निरस्त हो रहा है? क्योंकि आत्मा जी क्या है? सात्यभाव अधिकरण है, वहां पर आरब्धत्व है क्या? अनारब्धत्व का भाव आ गया, इसीलिए न च द्रव्यत्व विशेषितम। द्रव्यत्व विशेषण दे दो तो गुणादि को लेकर दोष समझ सके, मैंने गुणादो साध्य व्याप्ति, फिर तो गुणादि में साध्य व्याप्ति हो जाएगी, वहां साध्य व्याप्ति थी, इसे हमने द्रव्य में दोष दिया, उसे दूर में द्रव्यत्व विशेषण दे दिया, तो फिर वहां गुणादि में दोष आ जाएगा। न च द्रव्यत्व विशेषिते साध्य, द्रव्यत्व विशेषितो अयम उपाधि, और द्रव्यत्व से विशेषित साध्य में द्रव्यत्व को ऐसे विशेषित उपाधि आप दे ही नहीं सकेंगे, साध्य कोटि में आ जाएगा वो भी। कि एतनिष्ठ कर्म से एतनिष्ठ कर्म हमने क्या किया था? एतत् पट समवाय कारण जो तंतु, तंतु क्या है? कारण द्रव्य, मैंने एक दर्शा मेरे साध्य में एतनिष्ठ शब्द से द्रव्यत्व ने बोल ही दिया है, और उसी को आपने उपाधि में दोगे, साध्य सम हो गया उपाधि, दोषी नहीं हो सकता वो। व्यतिरिक व्याप्तिया असिद्ध्या पक्षेतरत्वात्, क्योंकि वास्तव में व्यतिरिक व्याप्ति की असिद्धि होने से पक्षेतरत्व के समान हो जाएगा। स्वरूपासिद्धिम परिहृत्य वृद्धत्व परिहृति, इसे पहला नायम असिद्ध हेतु से स्वरूपासिद्ध को परिहार किया, और ना भी वृद्धि से दोष करते हुए इत्यादि बात की थी। और ये बीच का जो हिस्सा था केवल हमारे साध्य पर पदकृत था, टीका साध्य क्यों और हेतु के लिए पदकृति के अनुमान पर पदकृति था। अत्र आत्मा विपक्षा, यह आत्मा क्या है? विपक्ष है। तस्य सर्वस्तु स्वरूपतया तंतुनिष्ठ अत्यंता भावा भावात्, क्योंकि वह सर्वस्तु का स्वरूभूत होने के नाते ही वह तंतुनिष्ठ अत्यंत भाव का अभाव ही रहेगा। न च तस्मिन् निरवयवी अंशित्व वर्तते, हर वह हमारे मत में आपके मत में भी निरवय होने के नाते वह अंशित्व नहीं हो सकता। एतेना एतनिष्ठ गुणादि व्याख्यातम, इसे एतनिष्ठ गुण अत्यंत भाव प्रतियोगी जो हमने जो पट में घटाया था द्रव्य में गुण कर्म सामान्य विशेष समय में भी बोला था, उस सब में भी एक बात समझ लेना। एवं एतद अत्यंत अभाव से एतद तंत्रिष्ट ता स्वीकारे तस्यापि तद अनिष्टत्व अंगीकारे तो तद अभावादेव बाधम शंकते यह तंतुषु इति, अब वो बोल में यह तंतुषु घट इत्यादि नहीं हो प्रत्यक्षेण, और पक्षी कहता है और कोई प्रमाण से नहीं तो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण से तुम्हारा अनुमान बाधित हो गया, आप घरे इस तंतु में पट नहीं है, और व्यवहार क्या हो रहा है? यह तंतुषु पट सबको प्रत्यक्ष प्रमाण है इत्यादि नहीं हो प्रत्यक्षण तंतुष्टतया पटस्य अवगमात, तंतुष्टतया पट का अवगम होने से तद अपहृत विषयतया कालात्यपदिष्टता, तद अभाव का विषय होकर के बाद दोष का विषय बन गया ये। यदि चेतमयव पटस्य तंतुष्टत्यंताभाव प्रतियोगित्व अंगीकुर्वता तस्य प्रामाण्य अनंगीकाराद यह नवसि नीलिमा इतिवत, कहता है यह तंतुषु पट तुम्हारे जैसे नहीं है, एक बुद्धिमान कैसे बोल रहे हमें नहीं समझ में आया, लेकिन ये वास्तव में उसी प्रकार का वाक्य है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिस प्रकार से कोई कहे यह आकाशे नीलिमा तद्वत यह तंतुषु पट है, भ्रांति ज्ञान है वो, क्योंकि हमारे मत में यही है सिद्ध, क्यों पटस्य एतत्तनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व अंगीकुर्वता वेदांतिना तस्य प्रामाण्य अंगीकार, तस्य मने यह तंतुषु पट ये जो ज्ञान है उसको प्रामाणिक ज्ञान नहीं मानते, प्रामाण्य अनंगीकाराद, क्यों जी? कहते यह नबसी नीलिमा इति प्रत्यक्ष अभिमत प्रत्यपादेन, यह जो प्रत्यक्ष रूप अभिमत प्रत्यय के द्वारा हम आपका भी अनुमान को हम खंडन कर देंगे, आकाश के बारे में कहेंगे अरूपित्व अनुमान प्रवृत्तिवद, फिर भी आप क्या करते हो? अरूपित्व का अनुमान करते हो ना प्रत्यक्ष विरुद्ध में, आकाश अपरूपी रूप वाला नहीं है, क्यों? निरवयवत्वात, निरवयवत्वात आत्मवत अन्य अंतन में था व्यतिरेक में पृथ्वी आदि, इस तरह से हम आप अनुमान करते हो कि नहीं करते हो प्रत्यक्ष के विरुद्ध, लोग प्रत्यक्ष में कह रहे हैं यह आकाश है नीलिमा, यह नबसी नीलिमा, उसके विरुद्ध आप अनुमान करते हो कि नहीं अरूपित्व का आकाश में, उसी प्रकार यह तो अंशपट के विरुद्ध हमने अनुमान किया तो कौन से गुणा हो गया, क्या गलत हो गया? इसीलिए कई बार ऐसे भी होता है प्रत्यक्ष विरुद्ध भी अनुमान के द्वारा यथार्थ की सिद्धि हो जाती है। न चैवन सती
दानशक्ति अनुमान आदर पे अप्रतिबद्ध प्रसन्नतया। तो पूर्व पक्षी कहता है फिर तो न चैवन सती दानशक्ति अनुमान आदर पे अप्रतिबद्ध प्रसन्नतया। वन्नी ही दान मने वन्नी शैत्य मन अनुष्ण द्रवित्वा जलवत, ये प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण सब सिद्ध होने लगे, अग्नि को ठंडा साबित कर देगा, निर्विरोध बिना कोई रोक टोक का ऐसे उल्टे सीधे अनुमान चलने लगेंगे और दुनिया में कालात्यपदिष्ट नाम का हित्व भाषी खत्म हो जाएगा। कालात्यापदिष्ट कथा सर्वत्र अस्तमीयादिति नवाच्यम। फिर कालात्यपदिष्टता नाम का जो बाद हेतु आप कहते हुए हित्वाभाष में से पांचवा, वह पांचवे हेतुभाष की कथा ही मैंने शास्त्रार्थ में अस्त को प्राप्त हो जाएगा। इति नचवाच्यम ऐसे मत कहो। तत्र तत्र उभयवाद सम्मत प्रबल प्रमाणे परिपंथिनी जागृति तस्य निरंकुश प्रसरत्वात्। क्योंकि देखो भाई, जहाँ जहाँ जिन जिन विषयों में उभयवादी के द्वारा सम्मत प्रबल प्रमाण प्रत्यक्ष है, प्रबल प्रमाण कैसे, जो भी कहेगा अग्नि ठंडा है उसके हाथ में अग्नि दे दो, अब अनुमान को मानेगा कि अपना प्रत्यक्ष अनुभव को मानेगा जो स्पार्शन प्रत्यक्ष हो रहा है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रबल प्रमाण प्रबल हो गया अनुमान से, और उन मामलों में प्रत्यक्ष दुर्बल हो गया, अनुमान प्रबल है। ये फिर दुर्बल प्रबल नहीं निर्णय कैसे होगा आगे कहेंगे। जहाँ पर प्रबल प्रमाण परिपंथनी जागृति, प्रबल प्रमाण जो है आप अनुमान के विरुद्ध में प्रबल प्रमाण प्रत्यक्ष जग जाए उपस्थित हो जाए, तस्या निरंकुश प्रसरत्वा, ऐसे जगहों में तस्या मैंने कालात्यापदिष्टता बाह हेतु का हेत्वाभास का प्रवृत्ति निरंकुश हो सकती है। प्रकृति चाहता भाव अभाव, और प्रकृति स्थल में देखो यही दृष्टांत है आपका कि वो विरुद्ध उसके वैसा नहीं है, प्रत्यक्ष दुर्बल हो गया। ये तेना प्रमाण सिद्धता इति प्रत्यनुमान विरोधो अपास्ता। इसलिए आपने जो कहा प्रपंच जो है प्रमाण सिद्ध होने से सत्य प्रमाण सिद्धत्वात्, यह आपका जो है प्रत्यनुमान विरोधो अपास्ता, आपके तरफ प्रस्तुत जो सत्प्रत्यक्ष अनुमान है वह खंडित हो गया। प्रमाण सिद्धत्व से ही वह सिद्ध है, क्योंकि आपके मत का जो हेतु है प्रमाण सिद्धत्व वही असिद्ध है। यत्र प्रत्यक्ष न तत्वाधिकम प्रमाणम तत्र का कथा तत्पादोपजीविनो वराकस्य अनुमानादेह प्रमाणतायाम। अरे जब प्रत्यक्ष प्रमाण खुद ही तत्व का आवेदक प्रमाण नहीं रह गया, उसके चरण पर आश्रित रहकर जीने वाले अनुमान आदि प्रमाण में जो है प्रमाणता माने तत्व आवेदकता कैसे आ सकता है, माने कभी नहीं हो सकता। यहाँ तक टीका यह तंतुषो परिहर्ति मैवाम यदवोचाम अभिमत ग्रहणेन बाध परिहार यदवोचाम अभिमत ग्रहणेन बाध परिहार। अच्छा पहले कहा अभिमत पद से बाद का निवारण हो रहा है करके हमने पूर्व में कहा था, अवोचावे से पूर्व या नहीं कहा, पूर्व में कहा हुआ उसको लेकर उसका विस्तार अब कर रहा हूँ। केवल क्या विस्तार कर रहे हैं स्पष्ट करते हैं। इति तस्य एतद् उत्थानम् उसी को उठा करके विस्तार किया जा रहा है। यथा ही आकाश नीलिम ग्राही प्रत्यक्ष विरोध अपि आकाशम अरूपी विभुत्वाद आत्मद्वितीयादि अनुमानम उदेति तव मते। तत्कसे है तो हो हम आपसे पूछते हैं आप कैसे कर रहे हैं भाई प्रत्यक्ष विरुद्ध के अनुमान। दृढ़तर न्यायाद अर्थाभावे अवगते क्लृप्त कारणाभावे अपी उत्पद्यमानत्वात्। आप ये कहोगे दृढ़तर न्यायाद आकाश में अरूपित्व के प्रति दृढ़तर प्रत्यक्ष अपने आप में दृढ़ और भले ही है सबको आकाश में नीलिमा दिख रहा है लेकिन उससे भी दृढ़तर है एक हेतु दृढ़न्यायात और अर्थाभावे अवगते और वास्तव में वहाँ गुण का अभाव है रूपारूपी रूपात्मक गुण का अभाव है यह निश्चय होने पर क्लृप्त कारणाभाव है सिद्ध कोई हेतु का न होने के कारण से उत्पद्यमानत्वात् हमारा अनुमान उत्पन्न हो जाता है प्रबल रूपेण। तथा यदि ऐसा कहते हो ठीक उसी प्रकार से हम भी कर रहे तथा यहापि अद्वैत पर सकल श्रुति स्मृति व बलाद अर्थाभाव अवगत है अद्वैत परक जितने भी श्रुतियाँ हैं स्मृतियाँ हैं उनके बल से प्रपंच का भाव जैसे तुम्हारे आकाश में अर्थाभाव ने रूपाभाव का हमने निश्चय किया बोला दृढ़ कर दिया दृढ़तर
युक्ति से, हम भी कह रहे हैं दृढ़तर युक्ति है, संघ स्वरूप स्मृतियों ने अद्वैत पर क्लिक करके अर्थाभाव ने प्रपंचाभाव अवगत है। जायमानम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षाभास, फिर भी यदि आपको प्रत्यक्ष दिख रही है तंतु शिपट करके अनुभव आ रहा है, फिर तो वह प्रत्यक्षाभास थी न अनुमान अनुदय, इस अनुमान का अनुदय की प्रसक्ति नहीं है, उदय होगा ही। नानु अनुमानवादी अभिप्रायण प्रत्यक्षाभासीकरणम सर्वत्र सुलभम, फिर तो इस अनुमानवादी का अभिप्राय को लेकर के सर्वत्र आपको जितनी प्रत्यक्ष सब प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाभास कह दोगे, अग्निरुष्ण प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाभास हो जाएगा, फिर अग्नि अनुष्ण अनुमान सत्य हो जाएगा। इति दहन अनुष्ठता अनुमान अपि न प्रत्यक्ष बाध से प्रत्यक्ष बाध नहीं हो पाएगा। एक गतम कालात्यपदिष्ट कथा कथया इत्यतः, फिर तो कालात्यपदिष्टारूपी हेतु की कथा को समाप्ति तिलांजलि देनी पड़ जाएगी। न चैवम सती इत्यादि हेतु मा तत्र तत्र इति अयम अभिसंधि काने पर अभिप्राय है। अग्निरनुष्ठ इत्यत्र निषेध्यम उष्णत्वम क्वचित प्रमितम न वा, हमारा विकल्प उठाएंगे ना, या कहीं प्रमित हुआ है या नहीं हुआ है अग्नि की उष्णता। न यदि द्वितीय पक्ष तदा प्रतियोगी अप्रमित्या अभाव प्रमित्य भावात, प्रतियोगी की प्रमिति नहीं हुई तो अभाव की प्रमिति कैसे हो जाएगी, इति अप्रसिद्ध विषमता हो जाएगा। न च भ्रांति सिद्ध से निषेधा, और यहाँ भ्रांति सिद्ध का निषेध नहीं कर रहे हो आप अर्थक्रिया बाधा भावात, क्योंकि अर्थक्रिया कार्य तो उष्णता को लेकर जो हो रही है उसे कोई बाध नहीं है। तीन नंबर टिप्पणी से लिए भ्रांति सिद्ध से निषेध मंत्र न कश्चित कार्य विघटते, क्योंकि जब तक भ्रांति सिद्ध वस्तु है ये तभी आप बोलेंगे ना जब उसका निषेध पहले से हो जाए। जैसे आपने पहले इदम रजतम कहा और इदम रजतम मेरा एक ज्ञान व्यवहार उसका विषय होता रजत भ्रांति सिद्ध, तब कहोगे ना जब आपके अंदर निदम रजतम ज्ञान पैदा हो जाए। उसके बिना कोई भी कहीं भी अपने ज्ञान का विषय को विघटित नहीं कर सकता, न कश्चिदपि कंचित कार्य विघटित। तस्मात् प्रमितमिति वक्तव्य, फिर आपको कहना पड़ेगा प्रमित है अग्नि की उष्णता। न च तद अग्नि व्यतिरिक्त स्थल अस्ति, और ये भी बात है अग्नि से भिन्न स्थल में या अग्नि से असंबद्ध स्थल में कई उष्णता अनुभव में आ रहा हो किसी को तो बताओ, तब हम कह सकते प्रत्यक्ष गलत है और अनुमान तुम्हारा सही अनुष्ठ गाने वाला, क्योंकि ऐसे भी हमने अग्नि अनुभव कर रहे हैं लोग जब अग्नि ठंडा होता है, ऐसे कहीं किसको होता ही थी। उभयवाद संप्रतिपन्नम अस्ति तत्र प्रमाणम, इसे अग्नि के उष्णत्व में उभयवाद सम्मत प्रत्यक्ष प्रमाण है, अतः तद विरोधा उसके विरुद्ध होने के नाते अनुमितिर नो देती थी अनुरुद्धैव बाध प्रवृत्ति थी, इसलिए वहाँ बिना कोई रोक टोक अनिरुद्धा एवं बाध हेतु की प्रवृत्ति हो जाएगी। ऐसे स्थलों में प्रकृति तु न तथा उपजीव्यम अस्ति, उस प्रकार से उभय मत के द्वारा स्वीकृत एक दृढ़ या दृढ़तर प्रमाण रूपेण प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं है जगत के सत्यत्व के लिए या तंतों में पटका होने के प्रति। ये न बाध सत्, जिसके आधार पर हम यहाँ पे बाध स्वीकार कर सके। इत्याह प्रकृते चैति, प्रत्यक्ष विरोधम परिहृत्य यदुक्तम पूर्वादिना प्रपंच सत्य प्रमा प्रामाणिकत्व इति तद विरोधम परिहरति, प्रत्यक्ष विरोध का परिहार करके अब पूर्वादि के द्वारा कहा गया था जो सत्प्रश प्रमाण उसे खंडन करने के लिए कह दिया एते नहीं थी तस्व विवरणम प्रमाणेति, उसी का विवरण करते हुए कह दिया प्रमाण इत्यादि से प्रमाण सिद्धस्तु सेवा सिद्धे इत्यादि। नानु एतदेव किम न स्यात् प्रमाणम इति तत्र आह, भाई उसी को क्यों नहीं प्रमाण मान लेते हो, यत्र प्रत्यक्ष न तत्व अधिकम प्रमाणम, वो कहते हैं हमारा अनुमान को प्रमाण मानो ना, ये जो अनुमान हमने किया प्रपंच सत्य प्रमाण गम्यत्वात् या प्रामाणिकत्वात् उसी को कहें, कहते नहीं नहीं जब यह जिस पर आश्रित है व्याप्ति आपने किया ना कि यत्र यत्र प्रमाण गम्यत्वम या प्रामाणिकत्वम तरत सत्यत्वम, ये जो व्याप्ति का आश्रय कौन है प्रत्यक्ष प्रमाण, वही जब तत्व का आवेदक नहीं है ये तत्व आवेदक कैसे हो सकता है, ये कह उस पर बोल रही है। ना ये तो देव किम न सिया प्रमाण विधि तत्र, मैंने ये तो मैंने अनुमान कोई प्रमाण को नहीं मानोगे, तब जवाब देने नहीं, यत्र इत्यादि अथवा प्रत्यक्षादि ध्वंसन न्याय कैमुत्क न्याय संभाव्यमान सर्वानुमानेश्वर दृश्य यत्र यत्र इत्यादि, अतः दूसरी अवतरण ने कौशिक को दिया
प्रत्यक्ष विध्वंसन न्यायम, प्रत्यक्ष को ही नष्ट करने वाला जो अनुमान, उसके भी कैमुत्तिक न्याय ने संभाव्य मान सर्वानुमानेशु, उसको कैमुत्तिक न्याय के द्वारा क्या कर दिया, जब यही ऐसा है मैंने प्रत्यक्ष ये दुर्दयनीय हो गया, फिर दूसरों का तो कहना है क्या, ऐसे कैमुत्तिक न्याय के माध्यम से आगे भी भविष्य विधि जो कोई इस प्रकार का अनुमान खड़ा करता है उन सकल अनुमानों में नियम लागू कर रहे हैं सिद्धांती यत्र इत्यादि कह रहा। असिद्धि रेववा विवरण विदम, अथवा पूर्व पक्ष का असिद्धि का ही विवरण है ना, प्रमाण सिद्धत्व सेव असिद्धे, जो कहा था उस असिद्धि का ही विवरण है। अनुभव विरोध परिहाराय तत्वार्थकम इत्युक्तम, अनुभव जो अनुभूति है उसका विरोध का परिहार करने लिए जानबूझ कर कहा, ये कोई भी प्रमाण तत्व का आवेदक नहीं होता, जब प्रत्यक्ष स्वयं ही तत्व का आवेदक नहीं है, मैंने अनुभूति का आवेदक नहीं है, फिर बाकी क्या कर पाएंगे। यद तो भेद सत्यत्व अनुमान मुक्ता, अब उसने भेद सिद्धि के लिए अनुमान किया था ना, एतत् पढ़ा एतत् तंतुष्ट, अन्योन्य अभाव कह दिया था, अन्योन्य वगट जो अनुमान किया उसको खंडन करना जरूरी है। देखो दिखा रहे, यद पुनरेतस्य घटस्य द्रव्यत्वाद एतनिष्ठ बाध्य भेद अतिरिक्त भेदवत्वानुमान, अब आप पढ़ रहे 65वां पृष्ठ है ये, और ये आया था 56 में पहले हमारे पुस्तक के अनुसार। तदपि अद्वैत आगम विरोधात कालात्यपदिष्टत्वम् इति उपेक्षणीय, वह भी आगम विरुद्ध है, प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं है, अनुमान विरुद्ध नहीं है, उपमान विरुद्ध नहीं है, शब्द लेकिन शब्द रूपी जो श्रुति प्रमाण है आगम प्रमाण के विरुद्ध है कि नियम है कालात्य प्रतिष्ठ में हमेशा प्रत्यक्ष विरुद्ध होना जरूरी नहीं है ना, वहाँ इतने गए साध्या भाव की सिद्धि अन्य किसी भी प्रमाण से हो जाए, अरे अद्वैत वाक्य प्रमाण है, उन वाक्य प्रमाण के विरुद्ध होने के नाते आप यह अनुमान भी नहीं हो सकता। एतनिष्ठ बाध्य भेदातिरिक्त भेदवत्वात्व, क्यों द्रव्यत्वात् घटांतरवत्, ये उसने अनुमान किया था, अयं घटः अयम घट कैसा है, एतनिष्ठ बाध्य भेद अतिरिक्त भेदवत्व भेदवान, क्यों द्रव्यत्वात् घटांतरवत्, ये उसका अनुमान था। उसके लिए कहा कि वो कालात्यपदिष्ट बाधित हेतु है तुम्हारा द्रव्यत्वात् हेतु, क्यों अद्वैत श्रुतियों का विरुद्ध होने के कारण से आगम विरुद्धत्वात्। वो कहेगा आगम विरुद्ध का है, हम तो आगम के अनुकूल बताए, मृत गायत्री सत्यम दिया मैंने, आगम विरुद्ध का है आगम अनुकूल है, जगत सत्य है या आगम अनुकूल है, भेद सत्य है या आगम अनुकूल है, ब्रह्म से भिन्न जगत की सिद्धि और भेद की सत्यत्व, एक तो भेद सिद्ध करना करने मात्र से सत्य नहीं हो जाता है, भिन्न तो प्रतीत हो रहा है इसलिए भिन्न है, इसे भिन्न सिद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भिन्न हो तो सत्य सिद्ध करना उस समय वो बड़ी बात थी, वो सत्य सिद्ध नहीं हो सकता कोई श्रुति विरुद्ध है। मृत्युगा इत्येव सत्यम इत्यादि आगमिन प्रपंच से सत्यता अवगमात अद्वैत आगम एव उपचरितार्थ किम न चेत न, पूर्व पक्ष कहता है भाई हमने आपको पहले कह दिया है मृत्युगा इत्येव सत्यम इत्यादि आगम के द्वारा प्रपंच का सत्यत्व को ही कथन किया गया है, मृत्यु का ही सत्य है, मैंने पृथ्वी सत्य है, जल सत्य है, त्रिणी रूपाण इत्येव सत्यम इत्यादि कहा है उसने। सत्यत्व का अवगम होने से अद्वैत आगम को ही औपचारिक मानना चाहिए, अद्वैत आगम एव उपचरितार्थ किम न सिया क्यों न होवे यदि चिन्ह तस्य अन्य परत्वात्, क्योंकि मृत्युगा इत्येव सत्यम ये अन्य परक है, कारण अनन्यत्व सिद्धि मात्र है उसका लक्ष्य है। घटादि जितने भी मृत्युका का कार्य हैं वे कार्य समस्त अपने कारणों की मृत्युका से अनन्य है, इतने मात्र है तात्पर्य मृत्युगा इत्येव सत्यम। इसे आगे क्या आग्नेर अपाघात, जल का अपगम हो गया, पृथ्वी का अपगम हट गया, क्या रह गया, न सूर्य रहा न कुछ नहीं रहा, ये कह दिया। ये जो वहाँ भी श्रुति में पूर्वोक्त जो आरंभिक प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा थी, हाँ एक ज्ञान सर्वज्ञान की जो बात कही गई थी, उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के अनुकूल इन पंक्तियों को घटाना पड़ेगा, ना कि इन पंक्तियों प्रतिज्ञा को तुम बदल दो, उल्टा नहीं हो सकता है, ये कह रहे। तस्य अनिपरत्वा तथा इत्यादि, यहाँ तक टीका देख लीजिए, यद तो भेद सत्यत्व अनुमान उक्तम तद अनुद्य विराकरोति यत् पुनरति,